आज की पहल टीवी से टीडी माणिकपुरी की खबर आ रही है। गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र के विधायक से पुनः प्रत्याशी कुंवर सिंह निषाद को कांग्रेस प्रत्याशी घोषित किया गया है। कुंवर सिंह निषाद दौरा कार्यक्रम धुआंधार दौरा कर रहे हैं और भूपेश बघेल सरकार की योजनाओं, कर्ज माफ व बच्चों की शिक्षा निःशुल्क व महिला समूहों का भी कर्ज माफ व धान खरीदी में 20 क्विंटल समर्थन मूल्य भी देंगे। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार पर भरोसा है, इस बार फिर भरोसा करें। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो अपन जमीन न बेच के अपन परिवार की लाभ कराना अब चिंता की जरूरत नहीं है। अब मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना में 5 लाख से बढ़ के 10 लाख की राशि आपको इलाज मिली, ये सरकार वादा करे। तो आप फिर भरोसा करे हो तो भरोसा बना के रखिए। 15 तारीख के 17 तारीख के जब आप मतदान कर बैठे तो वक्त ही देखना कि हमारे किसान के आंसू फसैया कौन है, हमारे किसान के कर्जा माफी करैया कौन है, हमारे धान के समर्थन मूल्य देवैया कौन है, युवा मतलब बेरोजगारी भत्ता देवैया कौन है, हमारे महतारी मन के गैस सिलेंडर के दाम करैया कौन है, हमारे लोग लेकर मतलब पढ़ैया कौन है। बस्ती में खत में पढ़ना सामने बटन दबा दू, ये तो हमारा नंबर आशीर्वाद होंगे। निवेदन के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार करता हूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय कांग्रेस। कैसे मजबूत बने किसान मन के आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे, हमारे युवा साथी मन ला बेरोजगारी भत्ता मिले, बिजली की बिल हाफ हो, साथ ही जब का योजना संचालित होते वो संचालन जनता सीधा का लाभ कैसे मिले, इस संबंध में आप एक निर्णय लेके सरकार बदल के एक जनहित के काम करें। दीदी पूरे विस्तार से बताइए। मैं तो केवल आपसे ये भरोसा और ये उम्मीद पर आप सबसे आशीर्वाद मांगे बना हूँ कि जिन भरोसा आप 2018 में कर रहे हो वो भरोसा फिर 2023 में करने लगी, एक अर्से की करने में लगी। यदि आप एक भरोसा से एक वोट से छत्तीसगढ़ के तस्वीर बदल सकत हो, छत्तीसगढ़ के तकदीर बदल सकत हो और छत्तीसगढ़ के सुनहरा भविष्य में अपन योगदान दे सकत हो, फिर ये सो फिर आपके आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी तो सबसे पहले किसान के कर्जा माफ होगी, ये तो मेरे लोगों की बात है। आज छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस की सब लोग बधाई, 23 साल हो गए मैं छत्तीसगढ़ और आज धान की खरीदी चालू हो गई। पिछले साल 2640 और 2660 में बेचे कटे पटेल जी है नहीं, और ये साल 2800 रुपये प्रति क्विंटल और 15 से 20 क्विंटल धान बेचू, ये सरकार के वादा है। ये तुम्हारे भरोसा के सरकार है, ये तुम्हारे विश्वास के सरकार है और ये भरोसा बने रहना चाहिए, एक ऐसे ही भरोसा बने रहना चाहिए कि आपके आशीर्वाद से दोबारा फिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी तो सबसे पहले कोई काम हुई तो किसान के कर्ज माफ हुई, ये सरकार रहना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम छोटे छोटे परिवार के एक एक